हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, बिग बॉस के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर जब से आई है, तब से उनके फैंस और इस पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर हमें अलविदा कहकर चले गए हैं। वहीं उनकी काफ़ी करीबी दोस्त और रूममेट गर्लफ्रेंड शहनाज गिल काफ़ी ज़्यादा बिखर गई हैं। खबर यह है कि वो अपने किसी लेटेस्ट प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रही थी और उन्होंने शूटिंग बीच में ही छोड़ दी। वो तुरंत कूपर हॉस्पिटल आने के लिए तैयार थी, लेकिन उनकी टीम उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। कुछ मीडिया सोर्सेस ने इस बात की खबर दी है कि शहनाज गिल सिद्धार्थ की डेथ से काफ़ी ज़्यादा शॉक में हैं और वो इस सदमे से उभर नहीं पा रही हैं। उनकी टीम भी उन्हें संभाल नहीं पा रही है और ख़बर यह है कि वो काफ़ी ज़्यादा रोई हैं। रोने के बाद वो अपने होश खो बैठी और बेहोश होने के बाद वो वहीं पर गिर गईं। फिर उन्हें कोकिला बेन हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां पर उन्हें एडमिट कराया गया है। एक तरफ जहां सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं और उनका पूरा परिवार, उनके दोस्त, उनके फैंस, हर कोई सदमे में है, वहीं पर शहनाज गिल, जो उनसे बेहद प्यार करती थी और अपने प्यार का खुलेआम इजहार भी करती थी, उन्होंने बिग बॉस में भी कई बार कहा कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के बिना नहीं रह सकती और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हैं। पर उन्हें क्या मालूम था कि सिद्धार्थ का साथ उनके साथ बस इतना ही था। फिलहाल शहनाज की क्या हालत है उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पाया है, लेकिन मीडिया सोर्सेस से इस बात की जानकारी ज़रूर लगी है कि वो अभी कोकिला बेन हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अपने होश खो बैठी हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।